अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वॉलेंट्री सोशल वेलफेयर एजेंसीज़ है, जिसमें उनकी रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग कंट्रोल कोऑर्डिनेंस होता है, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था। ये कंटिन्यूड है, लेसन नंबर 40 है SOC 301 का, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड एजेंसीज़। क्या अमेंडमेंट, क्या अमेंडमेंट है? अमेंडमेंट कहते हैं रद्दो बदल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को। रजिस्टर्ड एजेंसीज ने अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो अपने लॉ में तो क्या करेंगे? नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड एजेंसी शैल बी वैलिड। कभी भी जो भी अमेंडमेंट है ना, उसकी किसी भी रजिस्टर्ड एजेंसी की भी, कोई भी इसमें आती है सोशल वेलफेयर एजेंसी फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी एजेंसी हो, उसकी जो है ना अमेंडमेंट किसी भी उसके लॉ में तब तक जो है अप्रूव नहीं हो सकती, जब तक वो चेंज नहीं हो सकती, जब तक कि वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने अप्रूव ना कर दी हो। और फिर उसकी जो जो भी उसका पर्पज़ है ना उसके अमेंडमेंट का, वो भी उसको रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को वो दे के क्यों वो चेंज करना चाहता है अपने लॉज को, क्यों चेंज करना चाहता है अपनी एजेंसी के लॉज को, क्यों चेंज करना चाहता है, उसके जो कॉपी है ना उसकी कॉपी दे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को। अगर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है ना वो सेटिस्फाई होती है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उस एजेंसी के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ सकता है। लेकिन जो वो जो उस वो जो अमेंडमेंट जो बन जो भी वेलफेयर एजेंसी है ना, वो अमेंडमेंट किस तरह करे, उन ऑर्डिनेंस को, इन ऑर्डिनेंस सोशल वेलफेयर एजेंसी की ऑर्डिनेंस को मद्देनज़र रखते हुए अपने उसमें अपनी एजेंसी में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लाए उस जो चेंज करना चाहे उनको मद्देनज़र रखते हुए वो आगे पेश करे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को। अगर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी अप्रूव कर देती है तो वो एक कॉपी दे अमेंडमेंट सर्टिफिकेट की, इट शेल इशू टू एजेंसी या कॉपी। हाँ, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को एक कॉपी देनी पड़ती है एजेंसी को अमेंडमेंट सर्टिफिकेट की, कि हाँ तुम अपने जो एजेंसी में ये चेंजेस कर सकते हो, ये तुम्हारे तुम अकॉर्डिंग टू लॉ कर सकते हो, तो वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी उस एजेंसी को कॉपी देती है। सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ गवर्निंग बॉडीज ऑफ रजिस्टर्ड एजेंसीज, इन्हें अगर सस्पेंशन कर दें, अगर उसको डिसॉल्व कर दें तो फिर क्या होगा, किसी भी रजिस्टर्ड एजेंसी को डिसॉल्व कर दें। इफ़ आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज एज इफ़ इट मे थिंक फिट, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी सेटिस्फाइड दैट रजिस्ट्रेशन एजेंसी हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इररेगुलरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट, यानी कि अगर वो देखते हैं कि जो रजिस्टर्ड एजेंसी है ना वो उसने कोई फंड में ना हेरा फेरी की हुई है भाई उन्होंने, तो वो उनको उनकी डिसोल्यूशन कर सकती है, उसको डिसॉल्व कर सकती है उनके मिसकंडक्ट की वजह से, कि उन्होंने जो पैसा है उसकी रद्द बदल की है, ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी की है, उनको गवर्निंग बॉडी को सस्पेंड भी कर सकते हैं। और जो गवर्निंग बॉडी है वो गवर्निंग बॉडीज में कमेटीज आती हैं, और ये ऊपर पढ़ा था ना हमने, कमेटीज आती हैं, ये गवर्निंग बॉडीज में काउंसिल आता है, कमेटीज आते हैं, ट्रस्टीज आते हैं, और अदर बॉडी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड होम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी। ये मतलब कि कमेटी होती है, ट्रस्टीज होते हैं, काउंसिल होते हैं, ये किस में आते हैं, ये आते हैं जी गवर्निंग बॉडीज़ में। अब गवर्निंग बॉडीज़ अगर सस्पेंड हो जाती हैं तो किस सेक्शन के थ्रू सस्पेंड होती हैं, सबसेक्शन 1 द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फिर अपॉइंट करेगा, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी शेल अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा जो कि और केयर टेकर बॉडी या केयर टेकर जो कि 5 बंदों से ज़्यादा मुश्तमिल उसमें नहीं होना चाहिए, 5 बंदों में जो कि उसके पास जिनको वो पावर देगा, अथॉरिटी देगा गवर्निंग बॉडीज़ की, उस एजेंसी के गवर्निंग बॉडीज़ की, ताकि वो जो और जो उस एजेंसी के कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक ही उसको पावर्स देगा इनको, एडमिनिस्ट्रेटर को, जो कि कौन हायर करेगा, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हायर करेगा, जो कि 5 बंदों से ज़्यादा ही नहीं होनी चाहिए, जिसमें वही कमेटी और ट्रस्टीज वगैरह बनाएंगे। कहते हैं हर एक जो ऑर्डर है सस्पेंशन का वो सबसेक्शन 1 के थ्रू दिया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी शेल बी प्लेस बाय रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के
के आगे पेश किया जाएगा बिफोर अ बोर्ड, बोर्ड से पहले ही रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के आगे पेश किया जाएगा, जो कि 5 लोगों से ज़्यादा नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज विच शेल बी, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको चलाएगी, फॉर द पर्पज विच शेल हैव द पावर टू मेक सच ऑर्डर एज टू द री इंस्टेटमेंट। री इंस्टेटमेंट करते हैं द एक्शन ऑफ गिविंग समवन बैक अ पोजीशन विच दे हैव लॉस्ट। अगर वो जो गवर्निंग बॉडी जो कि पहले थी उस एजेंसी की, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आगे अगर वो अपना केस रखता है, तो वो गवर्निंग बॉडीज को कि उनकी पोजीशन वो अपनी वापस लेना चाहते हैं। विच शैल हैव द पावर टू मेक सच ऑर्डर टू, उनके पास जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है ना, उनके पास पावर होती है कि वो गवर्निंग बॉडीज को दे सकें उनकी जो पोजीशन है जो कि वो खो चुके हैं, जो कि गवर्निंग बॉडीज़ की, जो कि एज अ कमेटी है, एज अ ट्रस्टी है, जो भी है उस एजेंसी में, वो उनकी जो कि, क्योंकि अथॉरिटी ने, जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, उन्होंने तो पहले उसको क्या नाम है सस्पेंड कर दिया गया था, और अपने पांच बंदों को ना वो एज अ केयर टेकर उस एजेंसी का वो हायर कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर और केयर टेकर। कह रहे हैं कि जो भी गवर्निंग बॉडी जिसके खिलाफ जो है ना ये डिसोल्यूशन का केस मिया बनाया जाता है अंडर सेक्शन 3, जो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट किससे अपील कर सकते हैं 30 डेज के अंदर अंदर, जब उनके ऊपर ये सस्पेंशन का ऑर्डर आता है। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा ना, वो फाइनल होगा, और उसके खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकते। डिसोल्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड एजेंसी, अब रजिस्टर्ड एजेंसी भी जो है ना उसको भी डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको भी ख़त्म कर सकते हैं, या किसी टाइम के लिए उनको भी मतलब फ्रीज कर सकते हैं। कहने के अगर ये किसी भी तरह उनको रजिस्टर्ड एजेंसी को ये पता लगा कि जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को ये पता चला कि जो ये जो एजेंसी है ना, ये जो वेलफेयर एजेंसी है, ये क्या नाम है, ये कानून के ख़िलाफ़ वर्जियाँ कर रही है, और वो जो उसने अपने रूल्स बनाए हैं, उसकी एजेंसी के जो रूल्स हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी कर रही है, और लोगों के इंटरेस्ट के काम नहीं कर रही, तो भी उनकी जो है ना डिसॉल्व हो सकते हैं वो एजेंसी को। अलबत्ता एक दफ़ा उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी राय पेश करें क्यों वो ऐसे करें, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आगे रिपोर्ट पेश की जाती है। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होती है और समझती कि ज़रूरी है रिपोर्ट और में ऑर्डर एजेंसी शुड स्टैंड, तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही ऑर्डर करती है कि क्या आया ये एजेंसी डिसॉल्व हो, और शेल डिसॉल्व ऑन और फ्रॉम सच डेट, और डिसॉल्व हो उस डेट से उस तक जब तक वो उन्होंने ऑर्डर पे लिखा हुआ होता है। वॉलेंट्री डिसोल्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड एजेंसी, वॉलेंट्री डिसोल्यूशन कहते हैं कि अब क्या नाम है डिसॉल्व कहते हैं, डिसॉल्व हो गए तो रजिस्टर्ड एजेंसी, तो अब क्या होगा। कह रहे कि कोई भी जो रजिस्टर्ड एजेंसी है ना, वो गवर्निंग बॉडीज़ या उसके अंदर जो मेंबर्स हैं ना, उसको वो बंदे जो है ना उसको डिसॉल्व नहीं करते। गवर्निंग बॉडीज़ में क्या आ जाते हैं, कमेटी, ट्रस्टीज़ वगैरह जो है ना वो आ जाते हैं। इफ़ इट इज़ प्रपोज टू डिसॉल्व एनी रजिस्टर्ड एजेंसी, अगर ये नॉट लेस देन 3/5 ऑफ इट मेंबर में अप्लाई टू द, अगर ये ऐसा लगता है पता चलता है कि डिसॉल्व हो रही है रजिस्टर्ड एजेंसी, अगर ऐसा उन दावा करते हैं, प्रपोज करते हैं, तो जो कि 3 से 5 बंदे होते हैं ना, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो एक ऑर्डर करें फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ सच एजेंसी। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इफ सेटिस्फाइड, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है एप्लीकेशन को, वो कंसीडर करती है, कंसीडर करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो एजेंसी को जो है ना वो डिसॉल्व करने का हुक्म दे सकती है कि हाँ आप कर लें डिसॉल्व इस डेट से भी इस डेट तक, या तो फिर डिसॉल्व कर लें उस ऑर्डर में वो जो है ना वो स्पेसिफाई किया होता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन, अगर डिसोल्यूशन हो जाती है, कंपनी ख़त्म हो जाती है, एजेंसी डिसॉल्व हो जाती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंस के, उसके आगे उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आते हैं। कॉन्सिक्वेंस मतलब आफ्टर इफेक्ट, कहने की अगर कोई एजेंसी डिसॉल्व हो जाती है इस ऑर्डिनेंस के तहत, जो तो उसका रजिस्ट्रेशन जो होती है ना, उसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो भी कैंसिल हो जाती है,
तभी ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, उसी उस ऑर्डर पे जब वो डिसोल्यूशन जो है ना वो टेक्स प्लेस, जब डिसोल्यूशन जो होती है ना वो होती है किससे, फिर क्या होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ऑर्डर एनी बैंक, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी बैंक को या पर्सन को जो है ना वो बंदे को कहती है कि जो भी उनका जो भी उनके पैसे या फंड वगैरह या सिक्योरिटीज़ वगैरह रखती हूँ उस एजेंसी के बिहाफ में, ये किसी भी पैसों के की जो है ना के काम में भी वो काम ना करें, मनी सिक्योरिटीज विदाउट द प्रीवियस परमिशन, किसी भी प्रीवियस प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो है ना परमिशन के ख़िलाफ़ जो है ना अभी आप काम ना करें, मतलब जब तक वो देती नहीं इन राइटिंग। अपॉइंट अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू वाइंड अप द अफेयर होता है, फिर एक वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन को जो है ना वो वाइंड करते हैं, को हायर करते हैं ताकि वो एजेंसी के जो है ना इन अफेयर्स को वाइंड अप करे, क्योंकि वो वाइंड अप करना चाहती है एजेंसी, तो उनकी एजेंसी को जो है ना उनको वाइंड अप करने के लिए एक बंदे को हायर किया जाता है जिसके अंदर पावर होती है इंस्टीट्यूट की एंड डिफेंस सूट्स एंड अदर लीगल, जो कि एजेंसी के बिहाफ पे ना ये लीगल काम वगैरह कर सकता है, और वो ये ऑर्डर भी ले सकता है और एक्शन भी ले सकता है जो भी उसके लिए नेसेसरी हो इस पर्पस के लिए, कोई भी मनी एंड सिक्योरिटी रिमेनिंग आफ्टर द सेटिस्फेक्शन, और कोई भी जो उसकी जो डेब्ट्स वगैरह, डेब्ट्स कहते हैं कर्ज़ों को या कोई भी पैसे वगैरह रहते हैं, किसी भी एजेंसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। हैविंग ऑब्जेक्ट सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द एनचेयरमेंट, अच्छा, ऑर्डर मे बी द पर्सन पॉइंटेड अंडर क्लॉज 6, ऑर्डर मे द पर्सन, ऑर्डर जो होता है ना वो जो पर्सन जो भी बंदे को अपॉइंट किया जाता है ना ये सारे मामला देखने के लिए, वो अंदर वो क्लॉज बी के तहत जो है ना उसको अपॉइंट किया जाता है, ऑफ सब सेक्शन 1 शेल ऑन एप्लीकेशन बी इन्फोर्स बाय एनी सिविल कोर्ट के थ्रू लागू किया जाता है, हैविंग लोकल ज्यूरिसडिक्शन इन द सेम मैनर एज डिग्री ऑफ ऑफ सच कोर्ट, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट किया जाता है जब वो फी प्रिस्क्राइब कर देते हैं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के ऑफिस में, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्टर्ड एजेंसी के से रिलेट करता है और उसकी कॉपी जो है ना वो वसूल कर ली जाती है। पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, इस पर पेनल्टी क्या पड़ती है, कहने की वो कोई भी आदमी जो है, अगर कोई भी आदमी जो है वो खिलाफ वर्जी करता है इन इस ऑर्डिनेंस की तो फिर क्या होता है, पेनल्टीज सॉरी किन पे पड़ती है, एनी किन पे पेनल्टीज पड़ती है, एनी पर्सन, वो कोई भी आदमी जो कि क्या नाम है मुदाखलत करता है इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी करता है उनके ऊपर पेनल्टीज पड़ती है, इन एन एप्लीकेशन ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस ऑर्डिनेंस और इन एन रिपोर्ट और स्टेटमेंट सबमिट, कहने के या तो वो जो बंदा है जिसने एप्लीकेशन दर्ज की होती है वो अपनी इंफॉर्मेशन या अपने बैंक अकाउंट या कोई भी जो चीज़ होती है ना उसके बारे में फॉल्स बताता है, गलत बातें बताता है, सही बात नहीं बताता, तो वो भी पनिशेबल होता है, उसको भी सज़ा हो सकती है, उसकी सज़ा जो है ना 6-6 महीने तक जो है ना वो एक्सटेंड की जा सकती है, उसको फ़ाइन भी लागू हो सकता है, और उसको इन केसेस में वो दोनों चीज़ें भी होती हैं, उसका फ़ाइन जो है ना 2,000 रुपीज़ तक एक्सटेंड कर सकता है। वेयर द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस इज़ अ कंपनी, अगर कोई इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ कुछ भी खिलाफ वर्जी करता है, बेशक वो कोई कॉर्पोरेट बॉडी हो, कोई भी एसोसिएशन हो, कोई डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, सेक्रेटरी हो, कोई भी बंदा हो, और वो ये कहे और वो जब तक ये प्रूव ना कर दे कि वो क्या नाम है ये जो है ना इसके उसकी नॉलेज में नहीं था, ये अगर कोई गलत काम हुआ है तो ये उसकी नॉलेज में नहीं था, तो उसको जो है ना बताना पड़ता है, अगर वो नहीं बता सकता, अगर वो एविडेंस नहीं दे सकता तो उसको भी गिल्टी ही माना जाता है। नो कोर्ट शुड टेक रिकॉग्नाइजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस एक्सेप्ट अपॉन कंप्लेंट
इन राइटिंग मेड बाय रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और बाय एन ऑफिसर ऑथराइज बाय इट इन दिस बिहाफ। अच्छा जी, आगे है इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी कैसे कहते हैं, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल शेल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर, कह रहे कि कोई भी जो है ना, ये पहले इंडेमिनिटी के बारे में बता देते हैं कि इंडेमिनिटी होती क्या है, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। इंडेमिनिटी मुआवजा, ये कोई भी जो होता है ना लीगल प्रोसीडिंग जो है ना किसी भी इंसान के खिलाफ अगर होती हैं तो विच इन गुड फेथ डन और इंटेंटेड टू बी डन विद द ऑर्डिनेंस, जो कि कोई भी जो है ना वो उसके खिलाफ नहीं जो है ना वो लिया जाता, अगर वो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ ऑर्डिनेंस को मद्देनजर रखते हुए उसकी जो इंटेंशन होती है ना वो अच्छी होती है। पावर टू अमेंड शेड्यूल, अमेंड कहते हैं चेंजिंग को कहते हैं। द गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल अमेंड द शेड्यूल, वो शेड्यूल में अमेंडमेंट ला सकती है सो एज टू द इंक्लूड देयर इन और एक्सक्लूड दे, कोई भी सोशल वेलफेयर सर्विस की जो फील्ड है ना उसको एक्सक्लूड करने में या अमेंडमेंट जो होती है ना शेड्यूल में अमेंडमेंट के लिए कर सकती है। पावर टू अटेम्प्ट एग्जेम्प्ट, सॉरी यानी कि पावर टू एग्जेम्प्ट में यानी कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना किसी भी नोटिफिकेशन के तहत जो है ना वो किसी भी एजेंसी को या क्लास ऑफ एजेंसी को जो है ना वो एग्जेम्प्ट कर सकती है, ख़त्म कर सकती है अपने सारे ऑपरेशन से। आगे डेलीगेशन ऑफ पावर, किसी भी पावर को ना डेलीगेट करना बहुत, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कहती है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी नोटिस के तहत नोटिफिकेशन के तहत के डेलीगेट ऑल के अपनी जो है ना पावर्स जो है ना एनी ऑफ इट्स पावर अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के तहत जो भी उसको पावर्स मिलती हैं किसी भी एजेंसी को दे सकती है और इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एजेंसी क्लास ऑफ एजेंसी किसी भी ऑफिसर को दे सकती है। रूल्स क्या हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बी नोटिफाई ऑफिशियल गैजेट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना वो नोटिफिकेशन दे सकती है एक ऑफिशियल गैजेट में फॉर कैरिंग आउट कैरिंग इन टू द इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस, मेक रूल्स फॉर, इनके लिए रूल्स बनाए जाएँ इस ऑर्डिनेंस को आगे चलाने के लिए रूल्स बनाए जाएँ। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, और मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।